मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन. टुडे इज योर चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ एंड दिस इज अ चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पेज नंबर 10 मिल जाएंगे. एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 2 है आपका ज्योग्राफी का. सो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑन द ऑफ द अर्थ. देखिए अर्थ के ऊपर तीन लेयर कौन कौन सी हैं, पहले आप बताइए. व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑन द अर्थ. देखिए स्टूडेंट्स, पहला आंसर है हमारा थ्री लेयर्स ऑन द ऑफ द अर्थ. तीन लेयर्स हैं देखिए हमारे अर्थ के अंदर. जो अर्थ बनी है तीन लेयर से मिलकर बनी है. क्रस्ट पहली लेयर, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मेंटल एंड थर्ड लेयर इज कॉल्ड कोर. अर्थ देखिए तीन लेयर से बनी है, तो सबसे नीचे वाली कोर, फिर मेंटल, फिर देन क्रस्ट. ये हमारा सीरीज हो जाती है, इसे समझ लीजिए. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ रॉक. रॉक क्या है, क्या होती है रॉक. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल. कोई ऐसा बहुत बड़ी क्वान्टिटी में कोई चीज़ मिनरल की, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि क्या बना दे, एक अर्थ की क्रस्ट बना दे, एक अर्थ की लेयर बना दे, परत बना दे, कॉल्ड रॉक. वही क्या कहलाती है, रॉक कहलाती है. जैसे कि मान लीजिए प्लेन एरिया है कोई, हम यहाँ पर अगर आयरन का ओर डाल दें ला के, तो इसने एक लेयर बना दी. देखिए तो लेयर जो बना दी यहाँ से यहाँ तक कि इतनी मोटी क्या हो गई, परत हो गई. और ये परत ही क्या कहलाती है, ये हमारी क्रस्ट कहलाती है. और इसे हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक. तीन प्रकार की रॉक के नाम बताइए. पहला नाम है स्टूडेंट्स इग्नियस रॉक्स. इग्नियस टाइप की रॉक्स होती है. सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा आता है. मेटामॉर्फिक रॉक. ये तीन नाम हो गए रॉक्स के, तीन टाइप्स की रॉक्स हो गई हैं आपकी. हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फाउंड. देखिए दो टाइप्स की रॉक्स कैसे फाउंड होती है, एक्सट्रूसिव होती है और एक इंट्रूसिव होती है. वो कैसे बनती हैं ये बता रखा है. एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड बाय मोल्टन लावा. ये ध्यान रखिए, एक्सट्रूसिव कैसे बनती है, मोल्टन लावा से, विच कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली कूल डाउन. जो कि लावा निकलता है वोल्केनो ज्वालामुखी में से और जल्दी से ठंडा हो जाता है, उससे जो बनती है परत वो बन जाती है. उससे क्या बन जाती है, वही रॉक बन जाती है. तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल्टन लावा से बनी हुई रॉक को ठंडा होने के बाद लावा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहीं इकट्ठा होने के बाद एक परत बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक. नेक्स्ट, व्हेन द मोल्टन लावा कूल्स डाउन डीप, मतलब अंदर ही अंदर मोल्टन लावा ठंडा हो जाए पृथ्वी के अंदर बाहर ना निकल के. इनसाइड द अर्थ, देखिए इनसाइड द अर्थ बहुत मेन पॉइंट है. अर्थ के अंदर ही जो लावा ठंडा हो जाए, इसमें क्या हो रहा था, अर्थ के बाहर हो रहा था ठंडा होकर, फटने के बाद, बाहर निकलने के बाद, इसमें अंदर ही लावा ठंडा हो गया. सॉलिड रॉक्स फाउंड, उसके अंदर सॉलिड रॉक्स फाउंड हो जाती है. जो माइनिंग करते हैं लोग, तो उनसे माइनिंग नहीं हो पाती है. क्यों, क्योंकि वो लावा होता है अंदर जो कि बहुत ज़्यादा ठोस रॉक्स होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है. आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स. देखिए आप समझ सकते हैं, इंट्रूसिव मतलब आई एन, इन माने अंदर, जो मैग्मा अंदर जाके कूल हो जाता है और वहाँ रॉक बन जाती है, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव. एक्सट्रूसिव ई एक्स माने बाहर, जो जो लावा बाहर निकलने के बाद कूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या होती है, ये क्रॉसिस होती है साइकिल माने. व्हेन वन टाइप रॉक्स चेंजेस इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन साइक्लिक मैनर. देखिए जब एक प्रकार की रॉक दूसरी टाइप्स में चेंज होती है, दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, और यही प्रोसेस जो होती है एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल. एक प्रोसेस होती है, मैंने पहले बता दी आपको. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. देखिए हम पहले, व्हाट आर दी यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक के फायदे क्या क्या हैं.
देखिए स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ रॉक्स यहाँ दे रखे हैं। हार्ड रॉक्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स। देखिए बट वो जो रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा ठोस या हार्ड रॉक्स होती हैं, वो तो बिल्डिंग बनाने में काम आती हैं, रोड्स बनाने में काम आती है, बिटुमिन उसके अंदर जो रॉक के पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो रॉक से आते हैं, हार्ड रॉक से पत्थर जो डलता है, वरना तो क्या हो, बस चल जाए वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, वो ग्राइंड हो जाए, तो उनमें इतनी इंटेंसिटी, उतने हार्ड होते हैं कि इतने लोड डालने के बाद भी क्या नहीं होता है, वो ग्राइंड नहीं होते हैं, चूरा नहीं होते हैं। सेकेंड वन, सम ऑफ रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीसियस देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कुछ रॉक्स शाइनी होती है देखने में, चमकती हैं, और प्रीसियस होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती है, क्या बनाया जाता है उनसे, ज्वेलरी बनाई जाती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ह्यूमन काइंड। भाई वेरी, ये तो हमें सही बात है, रॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल हमारे ह्यूमन लाइफ के अंदर। सम आर यूजेस ऑफ फ्यूल्स, कुछ रॉक फ्यूल्स की तरह यूज होती हैं, तेल जो हमें ये फ्यूल्स होते हैं जलाने के लिए जितने काम आते हैं, जैसे हो गया कोल, नेचुरल गैस हो गई, ये सब रॉक्स से ही आते हैं, रॉक्स से ही निकल के आते हैं ये, एंड पेट्रोलियम। मैंने बता दिया पहले आपको कि ये सब क्या होती हैं, हमारे रॉक्स के अंदर से फाउंड होते हैं ये चीज, जिनको बनाने का काम क्या करती है, रॉक करती है मेनली, ये कह सकते हैं स्टोर करने का काम करती है, वरना रॉक स्टोर नहीं करेगी तो क्या कर क्या होगा, ये पता नहीं लगेगा कहाँ होगा। सॉफ्ट रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग टैलकम। जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स हार्ड नहीं होती हैं, वो क्या बनाने का काम आती हैं, टैलकम पाउडर होता है, चॉक बनाने के काम, और एक्सेट्रा। ये टैलकम पाउडर देखना आप नेट पे डाल के स्टूडेंट्स, क्या होता है एक्चुअली में, आई थिंक ये उसी तरह होता होगा जैसे चॉक पाउडर होता है, वैसे ही टैलकम पाउडर होता है, और ये सॉफ्ट होती हैं चीज़। नेक्स्ट, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्या होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम। रॉक्स विच आर फाउंड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए ये मेन है बस, कन्वर्जन मतलब उसको चेंज कर, चेंज एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जो रॉक्स फाउंड होती हैं कन्वर्ट करने के बाद इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, अंडर ग्रेट प्रेशर, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, और उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, प्रेशर लगाया जाता है अर्थ के द्वारा, कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के साथ बनती हैं, उसके होने के बाद जब तक हीट और प्रेशर नहीं हो तब तक नहीं बनेंगी ये, और मेनली इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स के अंडर कन्वर्जन होने के कारण है। समझ आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे टिक मार्क्स हैं, रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन ही बन सकता है, मोल्टन मैग्मा से जो बनती है कौन सी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अंदर की लेयर जो होती है अर्थ की क्या कहलाती है, कोर कहलाती है, जो अंदर होती है लेयर। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं ये, मिनरल्स के हैं, ये है आपका आंसर। रॉक्स कंटेन फॉसिल्स आर, कौन रॉक्स में कौन सा फॉसिल ज़्यादातर होता है, कंटेन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होते हैं फॉसिल्स, मतलब ये जो हमने बताया था अभी आपको, कोल पेट्रोलियम, इसकी मात्रा सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थिनर लेयर ऑफ द अर्थ इज, बहुत पतली लेयर जो होती है क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है आई थिंक। मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, ये दे रखे हैं आपको सीधे आंसर, देखते हैं हम। कोर देखिए इनर मोस्ट लेयर होती है, ऊपर बताई दिया आपको, मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है मिनरल्स का एक अपना। रॉक्स किस लिए काम आती है, रोड्स, बिल्डिंग आपने समझ लिया ऊपर, क्ले आपने पता, चेन इंटू स्लेट चेंज हो जाती है क्ले स्लेट की फॉर्म में। सियाल होता है एक मिनरल्स होता है जो किससे बनता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, आ सकता है आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, गिव रीज़न वी कैन नॉट गो द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम सेंटर ऑफ द अर्थ के पास नहीं जा सकते या वहाँ पर नहीं जा सकते, तो आंसर देखिए, वी कैन नॉट गो द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ का क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हम जितना नीचे जाएंगे अर्थ के पास में अंदर,
उतना हमारी क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और हम उसकी वहाँ पर डेथ भी हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। प्रेशर कितना होता है देखिए, बता रखा है 6000 किलोमीटर बिलो दी ओशियन फ्लोर, 6000 किलोमीटर ओशियन के अंदर जाने के बाद उसके फ्लोर के, जहाँ तक ओशियन है, जहाँ तक उसकी सतह है, टेबल है ओशियन की, उसके नीचे मतलब जहाँ पर रॉक है उसके ऊपर पानी है, पानी से नीचे जहाँ रॉक पाएंगे उसके नीचे 6000 किलोमीटर जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन। देखिए ऊपर बता दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ होती ही नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम सेडिमेंट्स, ये सही है गलत है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम सेडिमेंट बिकॉज एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ पार्टिकल्स, किसके द्वारा होता है ये? कंप्रेशन बहुत होता है एक तो वहाँ पर दबाव, और हार्डनिंग पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिस कारण जहाँ कंप्रेशन ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल ऑब्वियसली हार्ड होंगे और वो उतनी ज़्यादा वेट को अपना बियर कर पाएंगे, बियरिंग कैपेसिटी वेट की ज़्यादा हो जाएगी उन पार्टिकल्स की। सेडिमेंट विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड्स, विंड वाटर एयर, जो कि सेडिमेंट किसके द्वारा आ जाते हैं, पानी पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू आ जाते हैं, विंड के थ्रू आ जाते हैं, हवा के थ्रू एटसेट्रा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लाइम इज चेंज इनटू मार्बल्स, लाइम को चूना पत्थर जो होता है मार्बल में चेंज हो जाता है। ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, लाइम इज चेंज इनटू मार्बल, इसका रीज़न बताना था तो यस बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, क्योंकि लाइम के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा चूने में हीट की क्वांटिटी बहुत होती है। प्रेशर एज इट इज आर सेडिमेंट्री रॉक, प्रेशर किसी तरह होता है सेडिमेंट्री रॉक की तरह उसमें लगा हुआ होता है, तभी वो इतना क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।